हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हाइट एडमिनिस्ट्रेशन की एक और नई और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। और जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी का टाइटल दिया है द मैजिक हाइट। और इन्होंने अपना नाम वगैरह नहीं बताया, बस इसी नाम से उन्होंने टाइटल दिया है। सो मैं आपको इसी नाम से सुनाऊँगी, ठीक है। और इनकी जो बिफ़ोर हाइट थी वो 5 फीट थी, एंड आफ्टर अभी 5 फीट 8 इंच अभी इनकी हाइट है, जो कि इनकी डिज़ायर्ड हाइट है। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि उन्होंने 8 इंच अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया है। सच में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन द मैजिक हाइट को, एंड आप सब भी बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करें, ताकि आपको भी कल चल कर सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें। इसी वीडियो में नीचे में कमेंट्स बॉक्स में आ करके जब आप हाइट मैनिफेस्टेशन के लिए इस वीडियो में कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो कल के डेट में आपको भी इससे कई ज़्यादा लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत बड़ा शाइन है, क्योंकि आप हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये वीडियो एग्जैक्ट आपको ही मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो लोग हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको 100% ये वीडियो दिखेगा। और अगर आपको दिखा है तो ये यूनिवर्स का आपके लिए बहुत बड़ा शाइन है, ठीक है। तो सिर्फ एक दिन में 8 इंच हाइट को किया मैनिफेस्ट, ठीक है। इस टाइटल को देख करके आपके भी मन में लग रहा होगा कि एक दिन में हाइट 8 इंच कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप वीडियो को देखिए एंड तक, ठीक है। तो चलिए सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो द मैजिक हाइट लिखती हैं कि हाय दी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यूनिवर्स ने मेरी हाइट दे दी है। पहले मेरी हाइट 5 फीट थी, एंड अभी मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। और यूनिवर्स का बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है, क्योंकि मैं अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी हाइट जो है नहीं बढ़ पा रही थी। और लोग मुझे तरह तरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरी हाइट, मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी लोग, मेरी जब शादी की एज आई और लोग जो है मुझे रिश्ते देखने आते थे घर में, तो उन लोग मेरी हाइट को लेकर के कमेंट करते थे कि इनकी हाइट कम है। कभी कभी तो बहुत अच्छे घर से रिश्ते आते थे, लेकिन हाइट की वजह से उन लोग भी रिजेक्ट कर देते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, और मुझे खुद भी अपनी हाइट से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि मैं पहले खुद नफ़रत नहीं करती थी अपने आप से, लेकिन हाइट की वजह से जो बैड कमेंट्स सुनने को मिले मुझे, तब वहाँ जाकर मुझे लगा कि मेरी हाइट को बढ़नी चाहिए थी, इतनी ही हाइट में मुझे सुनना पड़ रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं इसका सल्यूशन ढूँढूँ, कोई रिज़ल्ट निकालूँ, कुछ ऐसा टेक्निक जो मुझे मेरी हाइट को दिलाए, मेरी शादी भी हो जाए, अच्छे से हो जाए, और मेरी लाइफ सेट हो जाए। बस इतना ही चाहती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे कि मेरा हाइट जो है कैसे मैं बढ़ा दूँ, बिल्कुल एक दिन में ही मेरी हाइट बढ़ जाए ऐसा। मतलब मेरे दिमाग में एक से एक आइडियाज़ आने लग गए थे कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में आ गई थी, मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं हमेशा यूट्यूब में ढूंढती रहती थी। फिर वहाँ पर मुझे एक दिन लव अट्रैक्शन का वीडियो मिला, जहाँ पर मैंने विजुलाइजेशन पावर को देखा, ठीक है। फिर वहाँ पर मुझे पता चला कि विजुलाइजेशन की टेक्निक करके हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, लव अट्रैक्शन का यूज़ करके हम अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपनी हाइट को पहले एक कापी में लिख ली कि मेरी हाइट कितनी चाहिए मुझे, और उसके बाद मैंने लिखा कि उसमें मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। वहाँ पर मैंने एक एक लाइन में ऐसा ही लिख दिया। फिर उसके बाद मैं जब उस चीज़ को कर लेती थी, उसके बाद मैं वहाँ पर विजुलाइज करती थी, कुछ टाइम वहाँ पर बैठ जाती थी आराम से, फिर वहाँ पर मैं विजुलाइज़ करती थी कि मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंच हो चुकी है, एंड थैंक यू यूनिवर्स। मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मेरी हाइट को लेकर के, और मुझे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मेरी हाइट की वजह से अब इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। और वहाँ पर लोग जो है मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और बहुत सारे रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। और जिन लोग मुझे रिजेक्ट करके जाते थे, उन्हीं लोग मुझे दोबारा देख करके अचानक से कहीं दिख रहे हैं, दिख गए हैं, तो उन्हीं लोग मुझे जो है कमेंट कर रहे हैं कि
आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, आप बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करती थी मैं। और साथ ही साथ बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं जिनको मैं खुद रिजेक्ट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा रिश्ता आया जो कि एक मतलब इस चीज़ को मैंने विजुलाइज किया अपनी शादी को लेकर के, कि मुझे मतलब मेरा जो ड्रीम पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, और वो मिल गया है। और वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, मतलब वो पुलिस ऑफिसर है, और बहुत ही सुंदर है, टॉल है, हैंडसम है, और बेहद अट्रैक्टिव है, एंड मुझे केयरिंग, लविंग, सब मतलब जो जो क्वालिटीज़ मुझे चाहिए थी और वो सब मैंने विजुलाइज किया। और वहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को जोड़ा, जो है मुझे जो चीज़ चाहिए थी सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया जो मैं चाहती थी, और निगेटिविटी को मैं बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी, हर एक मोमेंट को देखना शुरू की कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में सोचना शुरू कर दिया, और मैं बिल्कुल ही उस पास्ट लाइफ को भूल गई थी, उसको हटा दी थी। फ्यूचर में मुझे कैसा लाइफ चाहिए था, बस मैंने उसे जीना स्टार्ट कर दिया। सच में बिलीव मी, मेरी हाइट 8 इंच मैनिफेस्ट हो गई, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच हो गई सच में। और इसे करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ मुझे दो महीने से थोड़ा ज़्यादा 5-6 दिन बस इतना ही लगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरी जो हाइट है मुझे मिल गई, साथ ही साथ मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर भी मिल गया, और सेम टू सेम वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। वो पुलिस ऑफिसर था, साथ ही साथ वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही केयरिंग, लविंग, एंड हम दोनों की सगाई भी हो गई है, एंड शादी होना जो है बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है। और बहुत अच्छी मतलब जो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और जो हमारे घर में जहाँ ससुराल में मैं जाऊँगी वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और देखो, एक दिन में ही हाइट मैनिफेस्ट नहीं होती है, ये तो सच है, लेकिन हाँ एक एक दिन करके हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हाइट दे दी एंड मुझे मेरी ड्रीम लाइफ भी दे दी, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया और अपनी लाइफ को भी, ड्रीम लाइफ को भी, मतलब जैसा इन्होंने जीना चाहा, ठीक है, इनकी इच्छा थी, उनको भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया, और साथ ही साथ इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को भी मैनिफेस्ट किया, जो कि वो चाहती थी कि उनका लाइफ पार्टनर जो है बहुत ही हैंडसम हो, टॉल हो, बहुत ही ग्रेट लुकिंग हो, एंड केयरिंग, लविंग, इन सबको उन्होंने एक एक चीज़ों को जो है उन्होंने लिस्ट बना ली थी कि मुझे ऐसा ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। साथ ही साथ उनकी हाइट देखो, यहाँ पर थंबनेल में लिखा है कि सिर्फ एक दिन में 8 इंच हाइट को किया मैनिफेस्ट, राइट। तो आपको यहाँ पर नोटिस उस चीज़ को करना है, देखो एक दिन में ही हाइट मैनिफेस्ट नहीं होती, लेकिन एक एक दिन को मिलाकर हाइट मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, एक ना एक दिन तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो नहीं होगी वाली बात नहीं है, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बस इतना ही है। अगर आप इसको ज़्यादा इंटरेस्ट से करोगे, ज़्यादा बिलीव के साथ, फीलिंग के साथ, तो उसको रिज़ल्ट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। कम फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो इसका रिज़ल्ट कम मिलेगा। तो अगर आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हाइट मैनिफेस्ट हो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट हो, तो आप उस चीज़ को फीलिंग के साथ करो, हाई वाइब्रेशन के साथ करो, अपनी लाइफ में जो खुशियों को अट्रैक्ट करो, बिल्कुल भूल जाओ निगेटिविटी को, हर चीज़ को, होगा या नहीं होगा, ये चीज़ कर रहे हो तो सही है या नहीं। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि दी मैं हाइट को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेल है कि फीमेल मैं नहीं जानती, हाँ शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है उस कमेंट में लिखा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे हर जगह शाइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर वगैरह दिख रहे हैं, और मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तो देखो आप कर रहे हो, आपको दिख रहा है, उससे रिलेटेड बातें, वीडियोज़, कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी बात है, आपके लिए शाइन है। साथ ही साथ अगर आपको बटरफ्लाई दिखता है येलो कलर का, तो वो और भी अच्छा है, एंड कोई भी कलर का, बट जो है बटरफ्लाई दिखना बहुत ही अच्छी बात होती है। और साथ ही साथ आपके सपनों को पूरा करने में बहुत जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ भी चीज़ जैसे कि आपको
कोई मनी अट्रैक्टर हो और उससे रिलेटेड कोई बातें कुछ भी सुनाई देती, कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ भी फोटोज़ वगैरह कुछ भी, तो वो आपके लिए एक शाइन हो जाता है और वो सच में वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती है। तो आपको इसको बीच में नहीं छोड़ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी लविंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अगर उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़, फ़ोटोज़, बातें, कुछ भी आसपास का माहौल कुछ भी दिखता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा शाइन है। तो आपकी जो है जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इंटरेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको 100% मिलेगी। तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। माइंड में जो है कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये करने से ये होगा कि नहीं, नहीं होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस चीज़ को कर रहे हो ना वो 100% होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड कर लो, दूसरा उस चीज़ को जीना शुरू कर दो जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड तीसरा उसको जो है बिलीव के साथ यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड कमेंट करना, अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताना, ठीक है, शेयर करना। एंड कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड अपना थ्री विशेष कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू एंड आई मिस यू, टेक केयर।